नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चेतन सिंह है और आज आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे इस चैनल में आप लोगों को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, खासकर अगर हम मैकेनिकल फील्ड के बच्चों की बात करें तो वो ज़्यादातर अपने एजुकेशन के टाइम पर भी और बाद में भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आज हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल डायमीटर विद मेजरिंग द डेप्थ आल्सो। ये एक हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारा एक्सटर्नल डायमीटर यानी कि बाहरी व्यास एवं इनसाइड डायमीटर आंतरिक व्यास और डेप्थ भी मेजर कर सकता है। किसी भी चीज़ का होलो सेक्शन का डेप्थ भी अगर हमें मेजर करना हो तो दोस्तों, जैसा कि वर्नियर कैलिपर अभी आप लोग देख लोगे मेरे हाथ में वर्नियर कैलिपर है, ये हमारा 300 mm तक का है, इससे छोटा भी आता है 150 mm तक का। तो दोस्तों, वर्नियर कैलिपर के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.02 mm होता है और हमारे इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग मिलेगा। जहाँ पे हम लोगों को एक्यूरेसी वगैरह मेज़र करनी पड़ती है तो वहाँ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे टेक्निकल फील्ड में। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में कि ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इससे कैसे रीडिंग लेते हैं, यही हम जानेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द टेक्निक्स टू टेक द रीडिंग्स, रीडिंग लेने की तकनीक बताने से पहले मैं आप लोगों को इसके पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। पार्ट्स में दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अभी हम मैंने जो नीचे हाथ लगा रखा है जिस पार्ट को, इनको बोलते हैं जॉज। और ये जॉज आउटसाइड जॉज है, यानी कि आउटसाइड जॉज का मतलब हुआ कि ये किसी भी प्रोडक्ट का बाहरी व्यास, किसी सिलेंड्रिकल पार्ट का बाहरी व्यास मेजर करने के काम आता है। ये है इनसाइड जॉज, ये किसी भी होलो सेक्शन का, सिलेंड्रिकल होलो सेक्शन का या किसी दो पार्ट्स के बीच की थिकनेस वगैरह में मेजर करने का, तो हम इनकी मदद से करते हैं, इनको बोलते हैं इनसाइड जॉज। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ देख पा रहे होंगे दूसरा पार्ट, इसको बोलते हैं स्टेम या डेप्थ गेज, जो कि हमारे डेप्थ मेजर करने के काम आती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस पर कुछ स्केल्स के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस वाले पार्ट में दो स्केल हैं, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो हम लोग मैकेनिकल से अगर बात करें तो मैकेनिकल के ज़्यादातर mm में चलेंगे, तो नीचे वाला स्केल है सेंटीमीटर और mm में। इसी प्रकार से दोस्तों, ये वर्नियर स्केल है, इस पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो कि डिविजन्स में है, ज़ीरो से स्टार्ट है और ज़ीरो पे फिनिश है, यानी कि 10 पे फिनिश होता है, ये हमारा वर्नियर स्केल है। तो दोस्तों, ये रहा इसके पार्ट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसका एक रीडिंग लेने का तरीका क्या है, ये जो लॉक नट्स जो अभी हम घूम रहे थे, लॉक नट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, उसके लिए मैं आप लोगों के चलो हम लोग इस मार्कर का एक भारी व्यास आउटसाइड डायमीटर चेक करते हैं। आउटसाइड डायमीटर चेक करने के लिए फ्रेंड्स, हमको सबसे पहले इस तरीके से इसको क्लैंप करना होगा आउटसाइड जॉब में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्लाइड करा। इस तरीके से जब हमारा प्रोडक्ट सही तरीके से इसमें फिक्स हो जाए तो हल्के से उसको टाइट कर देंगे, लॉक नट को हम लोग टाइट कर देंगे और बहुत इजीली, बहुत स्मूथ तरीके से हमारा जॉब को उसमें से रिमूव कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मार्कर की रीडिंग लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों, रीडिंग लेने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों को रीडिंग के दौरान किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी हमें। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम रीडिंग लेंगे तो मेन स्केल रीडिंग लेंगे। जिसको दोस्तों मैं इन शॉर्ट बोलता हूँ MS। सेकंड सेकंड हम बात करेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। Thank you.
वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के फ्रेंड्स हम लोगों को सबसे पहले नंबर ऑफ डिविजन्स निकालने होंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स निकालने होंगे और उस नंबर ऑफ डिविजन्स को हमको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड जैसे कि लिस्ट काउंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसका हमारे जनरली वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm। उसके बाद फ्रेंड्स जब हमारे ये दोनों रीडिंग्स आ गई उन दोनों को हमको ऐड करके टोटल स्केल रीडिंग मिला। तो अब मैं अभी लॉक कर चुका था और लॉक करके हम लोग रीडिंग निकाल रहे हैं। तो रीडिंग निकालने का सीधा और सिंपल तरीका दोस्तों जो आज हम जानेंगे, रीडिंग लेने के लिए फ्रेंड्स हम लोगों को सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लेनी है। जैसे कि हमने अभी बोर्ड पे देखा मेन स्केल रीडिंग हमें मिल सकती है मेन स्केल से। मेन स्केल में हमको क्या देखना है फ्रेंड्स, हम लोगों को यह देखना है कि जो हमारा वर्नियर स्केल में जो जीरो आ रहा है वो जीरो हमारे मेन स्केल के कौन सी लाइन के साथ मैच हो रहा है या किन दो लाइनों के बीच में आ रहा है। तो दोस्तों जैसे कि हम देख पाएंगे यहाँ पे हमारा जीरो है मेन स्केल का, वर्नियर स्केल का जो जीरो है ऊपर मेन स्केल की लाइन के साथ मैच हो रहा है हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा mm स्केल है, जीरो से लेकर 1 cm तक हमारे 10 mm होते हैं, उसके बाद 11 mm, 12 mm, 13 mm एंड 14 mm, 14 देन 15। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा 15 से जस्ट आगे आ रहा है जीरो, 15 से जस्ट आगे मैच हो रहा है। आपने देखा होगा 15 से जस्ट आगे होने का मतलब हमारी रीडिंग 15 mm से अबव होगी। तो हमारा याद रखना ऐसे केसेस में 15 से जस्ट आगे तो हमको पीछे वाला डिजिट ले लेना है मेन स्केल का, यानी कि हमारा क्या हुआ 15 mm। हमारे मेन स्केल पर रीडिंग आ गई देन आफ्टर हम लोग दोस्तों हम लोग लेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग लेने का सिंपल तरीका दोस्तों हम लोगों को क्या देखना है कि हमारे वर्नियर स्केल के डिविजन्स वाली लाइन किन मेन स्केल की किन लाइनों से मैच हो रही है, किसी भी एक लाइन से मैच होना जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों हम देखते हैं जस्ट अभी एक बार देख के दोस्तों जैसा कि मैंने पाया कि मेरी जो 2 वाली लाइन है वर्नियर स्केल पे जहाँ पे 2 लिखा है ये वाली लाइन मेरे मेन स्केल की लाइन से मैच हो रही है। तो हमको 2 वाली लाइन का मतलब हो गया ये हमारे 5 के मल्टीपल्स में होते हैं डिविजन्स वर्नियर स्केल पे। तो 0 से 1 तक हमारे 5 डिविजन्स एंड 2 तक हमारे होते हैं 10 डिविजन्स, और 2 वाली लाइन मैंने आपको बताया यही मैच हो रही है, यानी कि कौन सा वाला डिविज़न हुआ है हमारा, ये 10th डिविज़न होता है दोस्तों। हमारे 10th डिविजन यानी कि नंबर ऑफ डिविजन हमारे हो गए दोस्तों 10। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है लिस्ट काउंट से, तो लिस्ट काउंट हम जैसे एग्जाम से 0.02 mm। तो दोस्तों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल वे में मल्टीप्लाई करके हमने देखा 0.20 mm। इस तरीके से हमारा बड़े स्केल रीडिंग हमारी आ जाती है। अब दोस्तों हम लोगों को दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे हम मेन स्केल रीडिंग प्लस बड़े स्केल रीडिंग 15 प्लस 1500 प्लस 0.20 20 mm। तो दोस्तों हमारे पास टोटल स्केल रीडिंग निकल के आती है हमारे इस मार्कर के लिए 15.20 mm, यानी इसका आउटसाइड
तो दोस्तों ये हमने कहा था किस प्रकार से हम बाहरी डायमीटर चेक कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोग हमारे वर्नियर कैलिपर से इनसाइड डायमीटर भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बाकी रीडिंग लेने का मेथड सेम है, पर इसको कैसे यूज करेंगे वो जस्ट मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे कि हमारा साइन बार है, साइन बार में ये होलो सेक्शंस है, मैं इस होलो सेक्शन का भी इनसाइड डायमीटर चेक करना चाहता हूँ, तो हमको इस प्रकार से इसको यूज़ करना पड़ेगा। ये दोनों इनसाइड जो इसके अंदर जाएंगे होलो सेक्शन में, अंदर जाने के बाद हम इसको खोलेंगे। खोलते टाइम दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके से जो इनसाइड जॉस के दोनों फेसेस हैं, दोनों जॉस के दोनों फेसेस हैं, वो पूरा इंटरनली कांटेक्ट में आ जानी चाहिए। कांटेक्ट में आने के बाद हम उसको हल्के से रिमूव करेंगे कि जिससे हमारा हिले नहीं। उसका लॉक नट से लॉक कर देंगे, लॉक नट से लॉक करने के बाद बाकी दोस्तों जैसा कि रीडिंग हम लोग लेते आ रहे हैं वही मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग इसके से ले लेते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग दोस्तों किसी भी होलो सेक्शन का डेप्थ मेजर कर सकते हैं। डेप्थ मेजर करने के लिए सिंपली फ्रेंड्स जैसे कि मैंने सेक्शन अभी वर्नियर स्केल या सॉरी साइन बार के जो होलो सेक्शन है इसका डेप्थ मेजर करना है, तो इस तरीके से और हमारा वर्नियर स्केल पे जो स्टैंड है उसको इस तरीके से इनसाइड इसमें इन करेंगे। इन करने के बाद ये जो स्टैंड के टिप पॉइंट है वो नीचे टेबल पे टच हो जाना चाहिए, यानी वैसे ये काम सर्विस प्लेट पे होते हैं तो ये टिप हो जाना टच हो जाना चाहिए, और ये वाली जो कॉलर है हमारे वर्नियर कैलिपर पे ये पूरे ऊपरी सतह पे टच हो जाना चाहिए इस प्रकार से। उसके बाद हम लॉक नट से लॉक करते हुए धीरे से इसको बाहर निकालेंगे, और फिर दोस्तों जैसे कि हम लोग रीडिंग लेते हैं दोस्तों ये हमने जाना कि किस प्रकार से हमारे वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा चाहूँगा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।